तो यार सेट हो अब तुम। हाँ देखें, बीटें इसकी खराब हो गई हैं सारी यार, सुस्त पड़ गई ये भी अभी बिल्कुल। ये फिर भी बेहतर है यार, अभी ये कम आई है इस चीज में, अभी ये कम आई है लपेट में यार। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। यार ऐसा कोई क्या बताऊं दोस्तों, आज ना बहुत ज्यादा, कल इतना हम सरप्राइज थे, इतना खुश थे, अपनी जो बच्चे निकले छोटे छोटे, तो बच्चे तो माशाल्लाह सेहतमंद हैं, कहीं आप लोग समझो बच्चों का वो यार, एक बड़ा ना बहुत बड़ी एक ऐसे बोलते ना, हमारी छोटी सी गलती बहुत सी चीजें कर देती है, तो एक छोटी सी गलती ने ना हमारे को फंसवा दिया है। हम वो गलती अब मैं क्या बताऊं। बाकी यार दोस्तों, नीचे अभी मैंने आप लोगों को दो मादियां दिखाई, मैं यहाँ से कहानी स्टार्ट कर दूं, सीधी सीधी बात करूं। एक काले कलर का मुर्गा लाए थे भाई, जो मैंने आप लोगों को दिखाना था, और वो शायद हमदा नहीं दिखाया था ना अपन ने अभी तक। वो इतना बेहतरीन क्वालिटी का मुर्गा था, इतना बेहतरीन क्वालिटी का कि वो भाई एक दिन पहले ले आए थे, तो मैंने सोचा यार कल मैं दिखा दूंगा, तो वो एक दिन रखा रहा हमारे पास, तो उस दिन मैंने दिखाना था, पर ये बच्चे निकल आए, तो मैंने बोला यार परसों दिखा दूंगा आराम से, यहीं तो है। पर यार वो सुस्त होने लगा एकदम, तो हम नीचे ही रखते हैं जो नई चीज लाते हैं, तो हमें थोड़ा सा ना वो हुआ, तो जो हमने एक दिन रखा ना उसको घर पे, उस शाम में हमजा ने जो है वो भाई ने हमारे, तो उन्होंने बोला कि यार इसके साथ थाई और एक दो को क्रॉस लगवा दो। हमने बोला यार वो नीचे ही रख लेना फिर उसको। अब हमने वो क्रॉस लगवाया शाम में, और थाई और उसको अंदर ही उसके साथ ही बंद कर दिया नीचे। पर यार वो पता नहीं क्या हुआ है, उसमें एकदम से बहुत उसने ना अपने आप को पल लटकाए हुए थे, मतलब दूसरे दिन, ज्यादा बीमार नहीं लेकिन वो नहीं होता, एक नजला और गले का जो होता है वो बहुत ज्यादा उसको हो रहा था, तो वो हमें ऐसा लगा कि नर जो है वो आया हुआ है बीमारी में प्रदीप। तो लाख लाख खुदा का शुक्र अदा करते हैं हम कि यार वो जो हमारा जो नुकसान हुआ है ना, वो हमारा हुआ है मुर्गे का दोस्तों। एक तो सबसे पहले बहुत बेहतरीन नस्ल थी, हमने तो तकरीबन कितने तक का था, 8,000 रुपए दे रहे थे उसका बंदा दे रहे थे, और वैसे नस्ल कितनी प्यारी थी यार। और हमारी जो उसकी वजह से ना, सिर्फ एक मुर्गे की वजह से हमारी थाई भी हाथ से जानते हुआ लग रहा है हमारे को, मुर्गा नहीं मुर्गी, और जो व्हाइट वाली मुर्गी है वो भी। और ये अल्लाह का करम है दोस्तों कि हमने वो वापस ऊपर लाके नहीं रखे यार हमजा, हैं एक छोटी सी गलती हमारा सेटअप ले जाती, और अभी भी हमें जो हमारे से मतलब, वो बोलते ना दोस्तों देखें, जो चीज़ हो रही होती है वो होती रहती है, उसको कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये होता है कि इंसान बोलता है यार मेरे साथ ही क्यों, तो वो लेकिन गलत बात भी होती है कि यार हम ही नहीं है और भी लोगों के हैं, लोगों के बड़े बड़े सेटअप तबाह हो जाते हैं। खैर सेटअप का मैं ये डर था कि यार इन्हें कुछ होना, और आप लोगों को पता है गर्मी आती भी है, गर्मी सर्दी आती भी होती है, लोग वैक्सीन करते हैं पहली फुर्सत में, हम वैक्सीन ले आए थे, हमें कल ही करनी थी, पर यार सिर्फ हमारी ना काहली ने मरवा दिया हमें, और कल हमने की नहीं वैक्सीन, तो आज हमने इनको प्रॉपर वैक्सीन करी है। मैं दिखाऊंगा आप लोगों को वैक्सीन, तो यार जल्दबाजी में फेंक दी थी हमने, हम डर गए थे एकदम, तो ये पड़ा हुआ है उसके ड्रॉप्स, इसके अंदर वैक्सीन मिली भी है तो पानी है। खैर आप किसी भी उसके पास जाएंगे ना पोल्ट्री वाली मेडिसन के पास, वो आप लोगों को ईजिली वैक्सीन दे देगा, बोलिएगा वैक्सीन दे दें। रानी खेत की बीमारी की भी होती है, उसके अंदर सारी बीमारियां आ जाती हैं, मेन बीमारी जो होती है ना वो होती है रानी खेत। हमें जो शक हो रहा है ना, वो मुर्गे को हमें हो रहा था रानी खेत का शक। तो यार मैंने आप लोगों को दिखा दी दोनों मादियां, अभी तक फेड हैं सर, कुछ नहीं पता, लेकिन हमने उनका ट्रीटमेंट कर दिया है, पूरा वैक्सीनेशन भी कर दी है, और जो देते हैं रानी खेत से बचने के लिए वो सारी दवाई भी दे दी है, लेकिन पक्का नहीं है कि उन्हें रानी खेत है नहीं। बाकी हमें यार जो मेन डर हुआ था ना दोस्तों, वो अपने पूरे इस सेटअप का हुआ था यार। हम लाए तो नहीं है उन्हें छत पे, और शुक्र है हम मुर्गा भी नहीं लाए, पर यार ये बीमारी ना हवा में बहुत तेज फैलती है, और अक्सर एक और चीज़ बता दूं आप लोगों को, मुर्गे मुर्गियों से तो लगती है, पर हवा जो चलती है ना, जैसे ये हवा चल रही है, ये बीमारी इस हवा के अंदर भी घूम रही होती है, ये मे भी हवा में लगती है ना। बाकी हमने सबको कर दिया है ट्रीटमेंट, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, आप सब दुआ करना यार, अल्लाह करें हमारा सेटअप ना ख़राब ना हो, पहले एक बहुत बड़ा धक्का खा के हम बैठे हुए, अब ना हो यार, और चैनल भी आप देख रहे हो रनिंग पे माशाल्लाह से, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार
दुआ लाजमी करना कि हमारा जो ये चल रहा है ना सेटअप यार, अल्लाह पाक इसको आबाद रखे बस। और इससे बड़ा सेटअप पड़ने का था हमारा, पर क्या कर सकते हैं यार। ये हमने ना विटामिन का पानी भी बना लिया है, और ये विटामिन का पानी इसलिए बनाया है क्योंकि इन बीमारियों के अंदर इनको ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है विटामिन की, ताकि इनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो जितना हाई होगा उतना ये बच सकते हैं बीमारियों से। तो इस वजह से जानवरों को ना ही केयर करनी पड़ती है। बाकी यार मेरा बहुत परेशान हूँ यार इस चक्कर में, कुछ भी ना हो, मैं अकेला ही नहीं, भाई वगैरह हमजा अथर भाई सब परेशान हुए हैं। वो डर रहे थे और हमारा कुछ नहीं पता यार, हो सकता है कि हमारा पूरा सेटअप दुआ कीजिएगा सेल आउट ना कर दें हम इस चक्कर में, क्योंकि अगर बीमारी फैलती है तो बहुत मसले होते हैं और इलाज हर किसी को नहीं आते। और जो जितनी चीज़ें ना दोस्तों महंगी हैं यार सेटअप पे, कोई कम की नहीं है, आप खुद जान सकते हैं जो जो पालते होंगे उनको सबको पता है कि सेटअप कितने तक का होगा। पिंजरों को हटा दो आप, सिर्फ इनका लगा लो, मुर्गे मुर्गे जितने हैं ना ये कोई आम नहीं है यार, सबके सब नायाब नस्ल के हैं। और बहुत मेहनत हुई थी इन पे यार, बहुत मेहनत, तकरीबन साल डेढ़ साल से ऊपर होने वाला है पालते हुए। चैनल शुरू करे हुए मुझे एक साल हो गया, आप लगा लो उससे पहले काम कर रहे हैं यार। तो बस यार क्या करें, अब देखते हैं क्या होता है आगे। बाकी मैं चाहता हूँ सेटअप बिके ना पूरा यार, सेटअप अगर बिका तो दोस्तों फिर से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी वो पीछे से यार, लाना पड़ेगा सबसे। तो यार मैंने जो है ना वो वैक्सीनेशन का जो पानी होता है ना वो सबको दे दिया है, इनको भी दिया था मैंने, ला बता दूं इनको भी थोड़ा बहुत पानी दे दिया था, और इनकी भी वैक्सीन कर दी थी। हमारे जो छोटे हैं ना दो, ये देख ले माशाल्लाह हेल्दी है फुल। ओए काट रहा है, ओ वाइट वाले ब्लैक वाले तुम तो सुन रहे थे थोड़े से, वैसे माशाल्लाह दोनों हेल्दी हैं, ये थोड़े ज़्यादा है माशाल्लाह से। बस यार डर हो रहा है यार, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है दोस्तों, सेटअप पूरा तितर बितर ना हो यार, और हो सकता है हमारा नीचे के वो जो थे वो जो मादी हैं वो सेल आउट कर दें, और इनमें अगर किसी को लगा हमें तो हम फिर निकाल देंगे। इसके अलावा हमारे पास फिर हल नहीं है, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ बंदा इंसान मारेगा तो नहीं इतनी आराम से। खैर हमारा ऊपर का सेटअप जो अल्लाह के करम से बिल्कुल सेट है, जितना पूरा सेटअप है ना सारा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बिल्कुल परफेक्ट है और हेल्दी है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। कल का दिन और निकले ये सेट रहा है, फिर दिल से एक ना वो गायब हो जाएगी, जो हमें एक अनसिक्योरिटी बने ना वो ख़त्म हो जाएगा हमारा, और एक जो डर है हमारे बस। आज भी मौसम यार कदरे बेहतर है, ये देख रहे हो कितना प्यारा लग रहा है आसमान आज, बस मौसम तो अच्छा है पर हमारा जो दिल है ना वो बहुत दुखा हुआ है आज, बस यार सेटअप की वजह से। ये सेटअप करना आसान नहीं होता दोस्तों, जान लगती है बहुत, और जिन परिंदों को आप जान से ज़्यादा प्यार करते हो भाई हमारे सच बात बोलूँ तो मेरी ज़िंदगी में तो वैसे भी भाई ये जानवर ही है भाई, इनसे जो एक प्यार होता ना वो अलग ही होता है। तो यार सबको जो है हमने खिलाफ लगे फारिग कर दिया है दोस्तों, और अब तकरीबन मगरिब का टाइम थोड़ी देर में हो जाएगा, तो आज हमने जल्दी खिलाना शुरू कर दिया था, वो मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि सीनियर ऐसा हुआ था आज हमारे साथ। और ये भी दिखा दूँ मैं भाई, इसके बच्चे की वैक्सीनेशन कर दी थी भाई, इसका बच्चा वैक्सीन कराने में तबाही मचा दी इसने। अरे ये तो चीख रही, वो भाग रहा कोई अंदर, हाईवे राइडर बना हुआ तेज स्पीड में, हाथ में ही ना आया हमारे। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को, खैर इस बात को छोड़ते हैं, अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। लाजमी दुआ करनी है तुम लोगों ने यार सेटअप के लिए, प्लीज लाजमी करना।